सर जब लड़के के जब माँ नहीं है, पिता हैं, तो जो कष्ट से बाप को झेल रहे हैं सब सर पर उनके हैं। 4 लाख के कर्जदार बन रहे हैं और ऐसी सरकार जो 10 रुपए की साबुन अगर बेटी की विदाई में देना हो तो आज 25 से 35 रुपए की देनी पड़ रही। चूल्हा तो यूं रखा हुआ है और साथ में कहा जाता है कि हम गैस बंटवा रहे हैं, हर घर में गैस होगा। मेरी बहनों, आपके लिए गैस दिया। तो पहले राजश्री खिलाने की आदत 1 रुपए से डाली गई और वही राजश्री आज 40 रुपए 60 रुपए में है, क्योंकि वो छोड़ नहीं सकते। 2 रुपया 4 रुपया बचा कर रखे रहा था तो इनसे बेटी के जुबावत जब जुहाएगा, कुछ कारण सभी हाथ जुटाए बुटाए के लड़की की मैंने शादी धूमधाम से करा था। अब कमाई तो सर जी हमारे पास है नहीं, जेठानी जी नहीं है, सब जेठ के ऊपर पड़ रहा है। इस बात का दुख है तो, लेकिन आप लोग तो सभी मौजूद हैं। हाँ मौजूद हैं, पर एक आदमी के पीछे अच्छा नहीं लग रहा है। 2-3 लाख रुपए पड़ जाता है शादी अच्छे से करे। कुछ दहेज वगैरह की भी मांग हो रही है लड़के की तरफ से? नहीं मांग रहे हैं कोई दहेज। आज एक कपड़ा खरीदने के लिए इनको सोचना पड़ता है। अब सरकार ये बोलती है कि हम अपनी बहनों को 1000 रुपये दे रहे हैं जी, जबकि गैस सिलेंडर का रेट गवर्नमेंट के द्वारा ही तय किया गया है 1130 रुपया जी। तो जब गैस सिलेंडर भी नहीं भरवा पाएंगे अब देख तो बहुत शौक है, कूलर दें, टीवी दें, पंखा दें, लेकिन पूछ नहीं पा रहा है, ये नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा है, मजबूरी है। कल वाली सरकार ठीक थी? अब कल वाली सरकार ठीक रही है भाई। तो बदलाव की आवश्यकता है या लगता है कि एक बार बीजेपी आएगी तो साबुन का रेट क्या होगा? वो तो फिर 50 रुपया हो जाएगा। फिर देख रहे होंगे आप कि यहाँ पर चूल्हा रखा हुआ है, चूल्हे में आप क्यों खाना बना रहे हैं जबकि गैस सरकार कहती है कि हमने गैस बंटवाया है। नमस्कार, मैं रवि कुमार आपके साथ हूँ। आप मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो शिवराज सरकार यानी कि भाजपा सरकार है। इस भाजपा सरकार में आज मैं एक ऐसे परिवार के पास पहुँचा हूँ जहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि बेटी की शादी है। इस बेटी की शादी जो है ये सिंगल पेरेंट्स हैं यानी कि सिर्फ पिता हैं, माता लगभग 2 से 3 साल के बीच में ही उनका जो है इसी दौरान उनकी मौत हो गई। और आज जो है मैं आपको बता दूं कि इस परिवार से मिलने का जो खास मकसद है वो ये है कि इनके द्वारा बहुत सारी बातें चलकर सामने आती हैं कि महंगाई का किस तरीके से सामना करना पड़ता है, बेटी की शादी में क्या क्या हो रहा है ये जानने का प्रयास करेंगे। और इस गरीब फैमिली से हम मिलेंगे और जानने का प्रयास सारी बातें करेंगे कि आखिर किस तरीके से इस महंगाई के दौर में आप क्या क्या आपको झेलना पड़ रहा है और क्या क्या करना पड़ रहा है, सारी जानकारी लेंगे। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि इस टाइम पर यह भी देखा जा रहा है कि कल ही जो है ये देखा गया कि लाडली बहना योजना के तहत 1000 रुपये सभी के अकाउंट में ट्रांसफ़र हुए यानी कि शिवराज सरकार के द्वारा दिए गए। लेकिन अब जानने का यही प्रयास होगा कि आखिर में उन पैसों का महत्व कितना है, इन्हें उस पैसे से क्या प्रॉफिट होगा, सारी चीज़ें जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर जो है काफ़ी महिलाएं भी बैठी हैं क्योंकि कल ही फंक्शन है, आप देख रहे होंगे इस टाइम पर ये महिलाएं बैठी हैं और यहाँ पर जो लड़की के पिता है वो भी मौजूद हैं। और हम इस टाइम पर जो है जैसे आपको पता ही है कि हमारे इस सीधी की अगर बात हो या मध्य प्रदेश की बात हो या विंध्यधरा की बात हो तो यहाँ पर जो है मैं आपको बता दूँ कि बहुत ही धूमधाम तरीके से शादी होती है। शादी से बड़ा कोई फंक्शन कहीं भी मौजूद नहीं होता। सबसे बड़ा फंक्शन होता है शादी का, दीपावली हो, होली हो, वो तो होता ही है, लेकिन शादी का फंक्शन से बड़ा कोई फंक्शन नहीं है क्योंकि एक बड़ी तैयारी देखी जाती है। और मैं मड़वा के नीचे खड़ा हूँ और इस टाइम पर हम उनके पिता से जानने का प्रयास करेंगे, मिलेंगे, बात करेंगे। काका ये बताइए कि कल ही शादी है आपकी बेटी की? कल है। आज कौन सा प्रोग्राम है? आज अब सब कुछ प्रोग्राम है, नाथ है, परिवार है, भाई हाँ, सब कुछ हाँ। नाम क्या है आपका? रामलाल। रामलाल भाई ये बताइए काका कि किस तरीके से ये शादी कर रहे हैं? महंगाई का दौर है और कहीं ना कहीं अभी आपके जो है यहाँ के जो महिलाएं हैं उनके द्वारा बताया गया कि बहुत बड़ा एक मकसद हो जाता है शादी करना और सबसे बड़ी चीज़ें जो देखी जाती हैं कि बहुत बड़ी महंगाई को झेलना पड़ रहा है। आपको इस महंगाई के दौर में क्या क्या झेलना पड़ रहा है? हर एक चीज़ का पूरी महंगाई है, पूरा कम आ जाता है, कहीं कहीं करके अपना गुजारते हैं। महंगाई तो ढेर है, हर एक चीज़ का है। क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं या कोई रोज़गार है आपके पास, क्या है? ना कुछ नहीं है, मजदूरी करते हैं, रोज़गार कुछ भी नहीं है। मजदूरी मिलती है आपको? हाँ मिलती है, जिसके यहाँ करते हैं। तो लगभग महीने में कितना कमा लेते हैं? अरे महीना में कुछ नहीं, 3000-4000 मुश्किल से रात दिन में। फिर ये शादी जो है कैसे कर पा रहे हैं? और महंगाई की अगर बात हो तो क्या क्या आपको लगता है कि काफ़ी महंगा हो गया?
ये महंगाई है, इसके अलावा आप कहीं राजपूतन से केहू मकेहू से कर्जा काढ़ काढ़ के कर रहे हैं, कर्जा निकाल के शादी कर रहे हैं। हाँ, ग्राम पंचायत के सरपंच के द्वारा क्या मदद मिल रही है, या आप कहूँ कि सरकार के द्वारा क्या मदद मिल रही है आप? और अभी तो नहीं मिल रही है, अब देखिए क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। मतलब अपेक्षा जताया जा रहा है आपके द्वारा कि मिलेगा? हाँ हाँ, जो होगा जो करेगा। कैसा महसूस कर रहे हैं, सिंगल पेरेंट्स है आप, यानी कि माता नहीं है, आज पूरा जो भी है कार्यभार सब आपके सर पे है, कैसा महसूस कर रहे हैं? अभी हमको पूरा महसूस हो रहा है, पूरा संभालना पड़ रहा है तकलीफ के साथ। अगर पत्नी होती तो कुछ आधा हिस्सा तो वो संभाल सकती? हाँ, आधा हिस्सा तो बंट जाता रहता है, अब पूरा संभाले पड़ रहा है। देख रहे हैं आपके द्वारा जिस तरीके से बताया जा रहा है कि महंगाई के इस दौर में और लगभग 3 से 4 हज़ार रुपये महीने का जो ये आप कमा रहे हैं, बचा रहे हैं और बचा कर बेटी की शादी कर रहे हैं, इस बेटी की शादी में हम भी पहुँचे और यहाँ पर हम महिलाओं से जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से महंगाई का इस दौर में ये सब झेल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि आप देख रहे हैं इस टाइम पर ये सब यहाँ पर मौजूद है, खाना भी बन रहा था, कढ़ी चावल सबसे ज़्यादा देखा जाता है हमारे यहाँ, और कढ़ी ही बन रही थी अभी जब यहाँ पर हम पहुँचे तो कढ़ी ही बन रही थी। और आपके द्वारा बताया गया कि लगभग 6 दिन तक शुरुआत के दौर से और जब तक लड़की वापस ना आ जाए तब तक हम लोगों के यहाँ लगातार जो है खर्च बना रहता है, और इस महंगाई के दौर में खर्च को हमें मेंटेन करना ही पड़ता है। अब हम मिलेंगे यहाँ पे महिलाओं से। ये बताइए कि अभी लाडली बहना योजना आ रहा और महीने का लगभग 1,000 रुपये मिलने वाला है, या मिल भी गया होगा, आपके अकाउंट में आया होगा, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? जी सर, पता नहीं अभी तुम गए नहीं तो क्या बताएं अभी। ये तो पता है कि 1,000 आने वाले हैं। हाँ सर, ये तो पता है कि आने वाले। उस 1,000 से मतलब आपका क्या फायदा होगा, क्या क्या कर पाएंगे 1,000 में? अब पहले मिले तो सर फिर बताएं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। क्या लगता है, सरकार ने लालच दे दिया 1,000 का, या मतलब आपको लगता है कि वो हमारे फायदे के लिए ही दे रहा? वो अब देखते हैं, सरकार फायदक दे ले रहा है कि ऐसे दे रहा है, घाटक लिए दे रहा है। इसके पहले भी सरकार आपको दे सकती थी, लेकिन तब तक आज लगभग 15 साल से शिवराज का राज रहा, बीच में 2 साल का जो है एक 1.5 साल का देखने को मिला कमलनाथ का सरकार रही, लेकिन इस लगभग 13 से 14 साल की जो भी उनकी सरकार रही, इस बीच में कभी उन्होंने महिलाएं के लिए कुछ नहीं किया, आज ही उन्हें याद आया, ऐसा क्यों लगता है आपको कि अब क्यों पैसा दे रहे हैं वो? अब सरकार को लाभ हो गया, सरकार दे रहे हैं, मतलब वो अपने फायदे के लिए कर रही है। जी सर, गरीबन के लिए दे रहे हैं, वो अपने फायदे के लिए क्यों दे। अच्छा, यहाँ पर ये जो शादी है कौन लगती है आपकी, ये जो बिटिया शादी हो रही है? लड़की की चाची हैं। चाची हैं आप, किस तरीके से देख रही हैं इस शादी को, चूंकि देखा जा रहा है कि लड़की जो है आज देखा जा रहा है उनकी माँ नहीं है, सारे जो उनके जो तौर तरीके हैं, जो एक माँ का दर्जा होता है आपको भी मिल रहा होगा, किस तरीके से ये शादी हो रही है? सर जी, लड़के के जब माँ नहीं है, पिता हैं, तो जो कष्ट से बाप को झेल रहे हैं सब सर पर उनके हैं, और जो है तो जब तक लड़की विदा नहीं हो जाएगी तब तक बाप के सर पे बोझ रहेगी। ये अगर मैं बात करूं कि खर्च की, तो अगर मैं खर्च की बात करूं तो क्या लगता है, महंगाई का जो दौर है, एक एक चीज़ें जो खरीदी जा रही हैं, किस तरीके से इस महंगाई को झेल रहे हैं ये, पिता की अगर मैं बात करूँ? आज की महंगाई में सर सब चीज़ झेलन से होला सर जी, क्या है कि महंगाई इतनी बढ़ गई है, और मजदूरी कर जब मने जाता था 400-500 पावा तो वहीं से 2-2 रुपये 4 रुपये बचा कर रखे रहा था, तो वहीं से बेटी के जुबावत जुबावत जब जुहाएगा कुछ एक काढ़न कुछों का काढ़न सब यह जुटाए बुटाए के लड़की की मैंने शादी धूमधाम से करा था। अब कमाई तो सर जी हमारे पास है नहीं। अच्छा, रोजगार कुछ मिल नहीं रहा? कुछ नहीं मिल रहा सर। तो आपको नहीं लगता कि सरकार को रोजगार देने की आवश्यकता है कि बच्चों को रोजगार मिले, बेटियों को रोजगार मिले? 1,000 के बदले अगर हमारा लड़का अगर जा रहा है कहीं पर, अगर वो नौकरी करता है तो 17-18 हज़ार रुपये मिलेंगे उसे, तो सरकार 1,000 रुपये दे रही, लड़कों को जो है नौकरी नहीं दे रही, इस बारे में कुछ बोलेंगी आप? नहीं सर, इस बारे में नहीं बोलेंगे। नहीं बोलना, आगे चलेंगे, यहाँ पर हम आपसे बात करेंगे। क्या चल रहा है शादी के इस फंक्शन में, कैसा महसूस कर रही हैं, खुशहाली है या नहीं? वो खुशहाली भी है, दुख भी है। दुख किस बात का? जेठानी जी नहीं है, सब जेठ के ऊपर पड़ रहा है, इस बात का दुख है। तो लेकिन आप लोग तो सभी मौजूद हैं? हाँ मौजूद हैं, पर एक आदमी के पीछे अच्छा नहीं लग रहा है, महसूस हो रहा है कि एक आदमी नहीं है, कहीं ना कहीं इस बात का खेद है। अच्छी थी इसलिए लग रहा है। तो आज माँ का दर्जा जो था वो लोग कहीं ना कहीं आप लोगों को भी पूर्ण करना पड़ रहा होगा बेटी के साथ? हाँ, हाँ, हाँ।
महंगाई की बात हो रही इस शादी में, तो आपको क्या लगता है अकेले जो पिता हैं कैसे बोझ उठा रहे हैं? बहुत बोझ उठा रहे हैं, कर्जा ऋण काट के कर रहे हैं, और महंगाई इतनी है कि कुछ हो नहीं पा रहा है, ऋण कर्जा काट के कर रहे हैं। मतलब कर्ज निकाल के शादी करना? हाँ, मजदूरी करें तो मजदूरी मिलती है, नहीं भी मिलती है। एक बेटी की शादी में बहुत ज्यादा खर्च होता है, 2-3 लाख रुपए पड़ जाता है शादी अच्छे से करे। कुछ दहेज वगैरह की भी मांग हो रही है लड़के की तरफ से? नहीं, नहीं मांग रहे हैं कोई दहेज नहीं। अपने से दे दो खुशी से, मांग नहीं है कोई। जो भी है, हाँ, आप खुद दे रहे हैं? हाँ, खुद दे। यहाँ जो माहौल है शादी का, इस शादी के माहौल में दोनों चीजें देखने को मिल पा रही, एक तो ये कि जो है सबसे बड़ी चीज जो देखने को मिल पा रही है कि पेरेंट्स में से अगर बात करूं कि सिंगल पेरेंट्स हैं, यानी कि पिता हैं माता नहीं है, तो इस बात का खेद है, क्योंकि कहा जा रहा कि जो माँ थी वो बहुत अच्छी माँ थी और साथ में पूरे परिवार को संभालने वाली एक माँ थी, लेकिन आज वही नहीं है, जिसकी वजह से ये फंक्शन तो हो रहा है लेकिन एक कमी महसूस हो रही कि बेटी की जो है माँ नहीं है। लेकिन आपके द्वारा भी कहा जा रहा है कि सिंगल जो लोड है, पूरा लोड उठाना पड़ रहा है आपको, इस पूरे लोड को अकेले उठाना पड़ रहा, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा आपको, ये चीज़ें देखने को मिल पा रही। और अब जो है हम यहाँ के प्रधान मुखिया से मिलेंगे और मुखिया जी से बात करेंगे कि क्या क्या समस्या देखनी पड़ रही। मुखिया जी, ये जो गांव है आपका, कौन सा गांव है ये? ये ग्राम पंचायत पढ़ैनिया खुर्द है, पढ़ैनिया खुर्द जनपद पंचायत सीधी के अंतर्गत आता है ये। जी जी, तो यहाँ पर हमारे यहाँ अब आप देख ही रहे हैं महंगाई का दौर जो है, आज एक कपड़ा खरीदने के लिए इनको सोचना पड़ता है। अब सरकार ये बोलती है कि हम अपनी बहनों को 1000 रुपये दे रहे हैं जी, जबकि गैस सिलेंडर का रेट गवर्नमेंट के द्वारा ही तय किया गया है 1130 रुपया जी। तो जब गैस सिलेंडर भी नहीं भरवा पाएंगे, बोलते हैं कि हम धुआं रहित खाना बनाएंगे, कैसे करेंगे? या धुआं रहित खाना बना लें, या तो एक जोड़ी कपड़ा खरीद लें, या जा कर के कोई मसाला वगैरह खरीद लें जी। जो चावल मिल रहा है, गेहूं भी अब बंद कर दिया है, गेहूं बहुत कम, 10% गेहूं दिया जाता है, बाकी चावल जी जी। जो इनको 5 किलो अनाज दिया जा रहा था उसमें भी कटौती, बोल सकते हैं कटौती हो रही है जी। तो इस महंगाई के दौर में अब कपड़ा खरीदना है, शादी ब्याह है, तो बच्चों के लिए भी कुछ खरीदना चाहिए जी जी। तो अब इनको मैं देखता हूँ घुट घुट के जी रहे हैं, बस हो गया, सिर्फ ये चुनावी फंडा है। इससे अच्छा जो पहले की सरकार कमलनाथ जी की थी, 15 महीनों में ही उन्होंने बहुत सारे कर्ज माफ़ी का, फिर जो बिजली बिल है आज 2000-1500 रुपये गरीब से गरीब परिवार भर रहे हैं, तो बिजली बिल भी नहीं भर पा रहा है कि 1000 रुपये मिलेगा तो बिजली बिल भर दें, वो भी नहीं हो पा रहा है जी। और राशन के विषय पे जानते हैं, जो आज तेल लेके आए हैं, आज आपके सामने जो कढ़ी बन रही है तो तेल से ही छाना जाता है उसको पहले, तो 200 रुपये किलो तो तेल है, तो शादी ब्याह है तो कम से कम 5-10 किलो या 15-20 लीटर तेल लाना है जी। तो उस तक के लिए भी व्यवस्था नहीं बन पाती है, जब पूरा घर परिवार कमाता है कहीं पर, रोजी रोटी के लिए भटक रहा है, क्योंकि यहाँ कोई रोजगार है नहीं जी, कोई फैक्ट्रियाँ हैं नहीं जी जी। तो हम लोग कहीं ना कहीं प्रयास करते हैं कि मनरेगा के माध्यम से कुछ काम, वो भी काम बड़े मुश्किल से जी, 50 परिवार है तो 10 परिवार को दे पाते हैं जी, तो वहाँ भरपाई नहीं हो पाती है, तो ये हम लोगों की भी मजबूरी हो जाती है। मतलब आपका कहना ये है कि महंगाई के इस दौर में तेल हो या गैस सिलेंडर हो या निर्मा साबुन हो, कपड़े हो, कुछ भी हो, बिल्कुल ठीक तरीके से लोग जो है खरीद नहीं पा रहे और व्यवस्था नहीं कर पा, नहीं हो पा रही है जी जी। व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो इसके वजह से ये क्या क्या हो रहा है, दिन ब दिन इनकी स्थिति बस से बदतर हो रही है, कर्ज में डूबते जा रहे हैं जी जी। तो ये एक बहुत दयनीय स्थिति है। तो ये बताइए, ग्राम पंचायत आपका है, आमजन जो है, इस 1000 रुपये से क्या फ़ायदा इन्हें मिलने वाला है, क्या मिल जाएगा इन्हें 1000 रुपये में? या सरकार को जो है एक युवा को रोज़गार मिलना चाहिए, या कहूँ कि आप जो है खुद एक बेटी की शादी कर रहे हैं, अगर इनके पास कोई रोज़गार होता तो व्यवस्था ठीक से हो पाती, रोज़गार के बदले 1000 रुपये क्यों देना चाह रही है? ये लोक लुभावन, और आपको पता होगा कि ये नवंबर में चुनाव है जी, तो ये चुनावी फंडा है, चुनावी मुद्दा है लेकर के कि बना रहे हैं कि हम 1000 रुपये दे रहे हैं। कल का आप भाषण देखे होंगे शिवराज सिंह जी का, मुख्यमंत्री जी का, तो उन्होंने ये तक बोला है कि हम 3000 तक करके देंगे, बिल्कुल उन्होंने कहा। लेकिन 3000 तक आपको 20 साल में समझ में नहीं आया कि 1000-3000 में कितना फर्क होता है जी जी। आप बोलने वाली बात है, आप देना ये 3000 तो अभी से शुरुआत कर दिए होते, या जब आप चुनाव में आए सरकार को, बनी हुई सरकार को गिरा करके उस समय चालू कर दिए होते, तो आज मालूम है कि 2 महीने बाद आचार संहिता लग जाएगी जी। इसके पहले अभी इन लोगों को मैं आपके सामने बैठे हुए हैं जी। तो बताना चाहूँगा कि इनके खातों में जो
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है वो भी नहीं मिल पा रही है। क्यों नहीं मिल पा रही? जबकि हम लोगों ने कई बार यहाँ के पटवारी को पेपर दिया है, पर्सनली मैं जाके मिल रहा हूँ कि भैया चालू कराओ इनको, जो भी है वो दो बोलते गवर्नमेंट का है, जब वो आएगा उसके खाते में पैसा होगा, गवर्नमेंट के पास होगा तो देगी। और हम सब जो पढ़े लिखे हैं समझते हैं इन चीज़ों को कि बीच में 22,000 करोड़ रुपये ओपन मार्केट से उठाया गवर्नमेंट, तो कर्ज में तो हम लोग डूब रहे हैं। ये वोट लेने के फंडे हैं कि चुनाव हम जीते, मतलब 1,000 सिर्फ ये वोट लेने की प्रक्रिया के लिए है कि लालच, ये लालच दिया जा रहा है, लोग लुभावन लालच है। तो ये मर्दों को क्यों नहीं दिया जा रहा, सिर्फ महिलाओं को क्यों? महिलाएं बहुत सॉफ्ट कॉर्नर होती हैं, आप जानते हैं कि महिलाओं को ये लगता है कि चलो 1,000 रुपये तो मिल रहा है हमारे लिए सरकार की है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि हमारे पतियों से जब ये, तो हमारे बच्चे जाएंगे सामान खरीदने के लिए तो उनसे इसका 10 गुना रेट वसूला जाता है जी। तो बेचारी 1,000 के चक्कर में सोचती है कि हम चलो 1,000 मिला है तो हम वोट दे दें, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा जी। अब ये समझदार हो चुकी हैं, ये जानती हैं कि हमारे बच्चे हमारे पति जाते हैं कमाने के लिए और कमा के लेके आते हैं तो 1,000 रुपये में कुछ नहीं होता है जी, जी। हमें 20,000-25,000 रुपये में घर चलाना पड़ता है जी। तो कर्ज लेकर जो हम चला रहे हैं तो 1,000 रुपये किसी काम का नहीं है, हमें रोजगार दे दिया जाए ये चाहती हैं इनकी औरतें कि हमारे पतियों को रोजगार दें तो हम 10-20 हज़ार का, मतलब ये 2 दिन की मजदूरी, अगर बात करूँ कि 500 रुपये मजदूरी अगर मिल रही है तो 2 दिन की मजदूरी एक महीना बिल्कुल ये चलाना चाह रहे हैं, 2 दिन की मजदूरी देकर पूरे महीने चलाना चाहते हैं और पूरे साल पूरे 5 साल चाहते हैं कि मैं राजा बन के बैठूं, खरीदना चाह रहे हैं पूरे साल, मतलब पूरे 5 साल के लिए, बिल्कुल 5 साल के लिए खरीदना चाहते हैं जी जी। 2 दिन की मजदूरी, सिर्फ 2 दिन की मजदूरी से, ये 2 दिन की मजदूरी ना दे करके रोजगार दे दें तो ये काम करना चाहती हैं जी जी। ये सारी महिलाएं सारे जो मर्द हैं आदमी हैं वो सब काम मांगते हैं, लेकिन इन्हें अगर काम नहीं मिल रहा, ये कोई रोजगार नहीं कर पा रहे तो कहीं ना कहीं आलसी भी हो रहे हैं बिल्कुल। इनको क्या है ना, काम पंगू बना रहे हैं ना हम, अगर इनको हम 5 किलो राशन दे करके 1,000 रुपये दे करके चलो भोजन मिल जाए तो भोजन के चक्कर में ये काम करना ही भूल रहे हैं जी जी। कल का दिन जब काम करने की जरूरत पड़ेगी, अब महीने भर आराम कर लिए तो काम करने की हिम्मत होगी नहीं जी जी। ये दिन भर काम करते थे जी। अब दिन भर जो काम है नहीं तो घर में पड़े रहते हैं, जब काम आएगा काम कर नहीं पाएंगे क्योंकि धूप लगेगी, बरसात होगी बरसात लगेगी, ठंडी आएगी ठंड लगेगी, क्योंकि काम करना भूल जाएंगे बिल्कुल बिल्कुल। एक आदत होती है काम करने की, आलसी बना रहे हैं जी जी। इनको एकदम पंगू बना दिया जा रहा है बिल्कुल, 1,500 की लालच दे करके पंगू बना रहे हैं बस हो गया। सरपंच जी नाम आपका? अश्विनी सिंह परिहार। अभी तक आप देख रहे थे यहाँ पर कि मैंने सभी से बात किया और साथ में सरपंच यानी कि यहाँ के जो मुखिया हैं उनसे भी बात हुई, मुखिया के दौरान जो बात की गई उस दौरान ये भी बातें चलकर आ रही सामने कि इंसान को सिर्फ 2 दिन की मजदूरी से 5 साल के लिए गुलाम बनाना चाहते हैं कि जो वहाँ से कह दें कि मित्रों थाली बजा दो तो यहाँ थाली पीटना शुरू कर दें, मित्रों लोटा बजा दो तो यहाँ लोटा बजाना शुरू कर दें, ये हालत है ये हमारे देश की। और अब हम चलेंगे एक बार फिर से पिता के पास जाने का प्रयास करेंगे। काका ये बताइए आपकी बेटी के लिए विदाई के लिए आपने क्या क्या तैयारी कर रखी है, क्या क्या देने वाले हैं? देने के लिए जो कुछ कम से कम है तो वही देंगे, मतलब संपूर्ण तरीके से बात की जाए कूलर पंखा टीवी फ्रिज ऐसी ये सारी चीजें दी जाती हैं, तो आपकी कितनी तैयारी? अब देख तो बहुत शौक है कूलर दें टीवी दें पंखा दें, लेकिन पूछ नहीं पा रहा है, ये नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा है, मजबूरी है, मतलब कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपको महसूस हो रही हैं कि इस महंगाई के दौर में 10-20 हज़ार की टीवी, 20 हज़ार की फ्रिज, 10 हज़ार का कूलर, ये सारी चीज़ें अगर कहूँ तो 1-2 लाख-4 लाख का तो यही सब हो जाएगा। हाँ, तो ये व्यवस्था नहीं बन पा रही, नहीं बन पा रही है। तो आप बताइए यही कहीं ना कहीं लगभग 4-10 साल पहले की अगर बात की जाए तो सारी चीज़ें कुछ ना कुछ सस्ती थी, यानी कि आप अगर एक बट्टी साबुन भी विदाई में दे रहे हैं तो पहले 10 रुपये की थी, आज 25 रुपये की एक साबुन पड़ रही है, 35 रुपये की साबुन पड़ रही है, तो ये महंगाई बढ़ क्यों रही है? अभी क्या बताए कैसी बढ़ रही है महंगाई, हमको मालूम नहीं है, लेकिन पहले ये जो सताई रही है जी। उसमें से सब पूछ पाता, अब नहीं पूछता है। क्या लगता है आपको आज की सरकार सही है कल वाली सरकार ठीक थी? अब कल वाली सरकार ठीक रही है भाई, तो बदलाव की आवश्यकता है या लगता है कि एक बार बीजेपी आएगी तो साबुन का रेट क्या होगा? वो तो फिर 50 रुपया हो जाएगा, फिर से आएगा तो 50-60 रुपये हो जाएगा तो कहाँ से पाएंगे, तो खाना खवाएंगे कि साबुन खरीदेंगे? ये एक चूल्हा रखा हुआ है, उधर दिखाओ थोड़ी सी, ये चूल्हा देख रहे होंगे आप कि यहाँ पर चूल्हा रखा हुआ है, चूल्हे में आप क्यों खाना बना रहे हैं जबकि गैस सरकार कहती है कि हमने गैस बंटवाया है हर घर में, सरकार के द्वारा गैस दी गई जो है, अब देखने को मिल पा रहा है कि चूल्हे से आप बना रहे हैं, ऐसा क्यों? इसलिए कि
1130 रुपए उसका कीमत हो गया, 1100 रुपए हम लोग कमा नहीं पाते हैं। हाँ। तो इसलिए कोनो मतलब नहीं है, चूल्हा से बनाना पड़ता है। मतलब बात यही होगी कि पिछले सरकार में 300 रुपए गैस थी और आज 1100-1150। हाँ, तो फिर ये सिलेंडर किस लिए बंटवाया गया? अब मोदी लाभ देकर बंटवाया, अब नहीं देता है तो कहाँ से हो, चुपचाप पड़ा है। ये एक बिजनेस कहा जा सकता है। अगर गौर से अगर बात आप समझें इस बात को, तो सबसे बड़ी चीज़ें देखने को मिल रही है कि पहले एक व्यक्ति को पहले राजश्री खिलाने की आदत 1 रुपए से डाली गई और वही राजश्री आज 40-60 रुपए में है, क्योंकि वो छोड़ नहीं सकता। वैसे ही आदत ये है कि हमारे घर की महिलाओं को जो आदत थी पहले लकड़ियों से घर में सारी चीज़ें बनाने की चूल्हे में, लेकिन आज वही जो है देखा जाता है कि गैस की आदत डालने का प्रयास किया गया। और इंसान अगर गैस से खाना बनाना शुरू कर देगा तो स्वाभाविक सी बात है कि गैस से बनाएगा, और अगर गैस से बनाएगा तो 300 रुपए, फिर सब्सिडी, फिर 400 रुपए सब्सिडी, 1000 रुपए सब्सिडी, अब 1150 रुपए नो सब्सिडी, कोई सब्सिडी नहीं, 1 रुपए आपको वापस नहीं होगा। गांव-गांव में, घर-घर में, हर जगह गैस बंटवा दी गई, लेकिन उसका फायदा आज देख रहे हैं आप कि आज अगर घर में फंक्शन भी हो तो हमें यूज लकड़ी ही करना है। और एक जो कहते हैं ना कि धूप, गर्मी या पसीना, या बात करूं धुआं की, तो वो झेलना ही पड़ रहा है। सही है कि नहीं? हाँ, सही है। महिलाओं को आदत डाली गई इस बात की कि नहीं? अब धीरे धीरे डल रही है, पहले तो लाभ दिया, अब फिर से ही अब नहीं पुज रहा है तो डालना पड़ रहा है मजबूर बस। मतलब हर चीज में महंगाई है। पहले सरसों का तेल का क्या रेट था? अरे पहले तो जैसे पाव हम लोग जानते हैं, कहीं 5-10 रुपए पाव रहता था, बहुत ज्यादा से ज्यादा आई, अब तो सीधे 200-250 रुपए बढ़ गया। तो मतलब उस चीज की भी समस्या बनी। लगभग कितने लोगों का निमंत्रण है आपके घर? अरे हमारे लोग का तो पूरे आएंगे तो 200 आदमी का है। 200, तो मतलब खर्च काफी भारी है। भारी है। कर्ज कितना हो गया आपके सर? अब कर्ज होगा, लागत है कम से कम 3-4-5 लाख हो सकता है। कैसे भर पाएंगे आप? अब क्या करेंगे, सोचना पड़ता है कैसे करेंगे क्या नहीं। ये हैं एक बेटी के पिता जो सीधे स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि क्या क्या समस्या झेलनी पड़ रही है। और यहाँ पर आपके द्वारा, और मैं बात करूँ कि हर गरीब परिवार का यही हाल है, ये एक गरीब परिवार का ये हाल देखा जा रहा है जहाँ मैं मौजूद हूँ आज, स्पष्ट आप देख रहे हैं। बेटी की शादी में माँ नहीं है तो सबसे बड़ी चीज़ इस बात की खुशी और गम कहीं ना कहीं दोनों चीज़ें हैं कि खुशी इस बात का कि शादी हो रही है और गम इस बात का कि कहीं ना कहीं माँ नहीं है। और दूसरी बात, महंगाई भी मार डाली, कहीं ना कहीं 4 लाख का कर्ज जो है एक पिता के सर पर हो जाता है। भर पाए तो ठीक, नहीं गुलामी तो करना ही है, जिस तरीके से गुलामी इंसान झेल रहा है। आपका क्या नाम? हमारा नाम है मोहन। आप लड़की के कौन हैं? फूफा है। फूफा है। क्या आप देख पा रहे हैं पिता किस तरीके से झेल रहे हैं इसे? हाँ, देख पा रहे हैं कि इसका औरत नहीं है, किसी के तरह से काम कर रहे हैं, परेशान है लड़की लोग, अब क्या करें, ये बिता रहे हैं। जी जी है? तो ये हालत तो स्पष्ट हो चुकी है आपके सामने। महिलाओं से भी हमने बात की, लड़की के पिता से बात किया, मुखिया जी से बात किया, सभी से बात करने के बाद ये बात स्पष्ट हो रही है और सामने आ रही है कि आखिर में किन चीज़ों की कमियां हैं और इस सरकार में लोग कर्जदार बन रहे हैं, और 1000 रुपये 1000 के नहीं बल्कि 3-4 लाख के कर्जदार बन रहे हैं। और ऐसी सरकार जो 10 रुपये की साबुन अगर बेटी की विदाई में देना हो तो आज 25-35 रुपये की देनी पड़ रही। चूल्हा तो यूँ रखा हुआ है और साथ में कहा जाता है कि हम गैस बंटवा रहे हैं, हर घर में गैस होगा। मेरी बहनों, आपके लिए गैस दिया जा रहा है, और फिर से आज वही चीजें हैं कि बहनों को 1000 रुपए की लालच देकर और 5 साल का राज किया जाएगा, और 5 साल में इस 1000 के बदले पता नहीं कितने 1000 रुपए लूटा जाएगा। लगातार जुड़े रहें तरंगड़ी 4 न्यूज से, फिर मिलते एक बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।